तो हे गाइस, आई एम जफर, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप सब लोगों को इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। इसके नेक्स्ट वीडियो में मैंने जैसे कि आप सबको बताया था कि लोगो किस तरह से बनाते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहेंगे, और इसका लिंक मैं अभी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप डायरेक्ट उस वीडियो पर विजिट हो जाओगे और आई बटन पर भी इसका लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से भी आप विजिट कर सकते हो। तो उस पर मैंने बताया था किस तरह से आप लोगो बना सकते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आप सबको बताने जा रहा हूँ किस तरह से आपको लोगो लगाना है अपने चैनल के अंदर। तो बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं वीडियो स्टार्ट, और लेके चलता हूँ आपको अपने मोबाइल के होम स्क्रीन पे। तो जैसा कि आप सब देख पा रहेंगे कि मैं आज को अपने मोबाइल के होम स्क्रीन पर, और लोगो लगाने के लिए आप मैं क्रोम ब्राउज़र का यूज़ करने वाला हूं। तो क्रोम ब्राउज़र आपको ओपन कर लेना है। तो यहां पे आप देख पा रहेंगे कि मैं यहां पे अपना जो है जीमेल, जिससे मैंने जिसका मैंने कल लोगो बना के बनाया था, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं मैंने वही ईमेल आई डी यहाँ पर साइन इन ऑलरेडी करके रखा है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या करना है मैं बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर आपको स्टार्टिंग से बताता हूँ, क्रोम ब्राउज़र ओपन करना है, उसके बाद यूट्यूब लिख के यहाँ पे सर्च करना है। मेरा तो यहीं पे है, तो आपको नहीं है तो YouTube लिख के सर्च करना है। उसके बाद यहाँ पे साइड में लोगो जो जहाँ पे दिख रहा है ग्रीन कलर का, वहाँ पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैनेज टू गूगल का ऑप्शन मिल जाता है, तो यहाँ से आप डायरेक्टली यहाँ पर लगा पाओगे लोगो। तो देखिए इस तरह से आपके सामने आ जाएगा ऑप्शन निकल के। तो यहाँ पर पर्सनल इन्फॉर्मेशन में जाना है, और यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है यहाँ पे। तो यहाँ पे अपलोडिंग सेशन आ जाएगा, तो यहाँ से सेलेक्ट फोटो कर देना है। उसके बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंट में जाना है। उसके बाद यहाँ से आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको गैलरी सेलेक्ट कर लेना है। गैलरी सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको देखिए पिक्सलैब से मैंने बनाया था, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये लोगो मुझे लगाना है, तो यहाँ से इसे मैं सेलेक्ट कर लूँगा। तो यहाँ पे सिर्फ सेलेक्ट करने के बाद आपको करना क्या है मैं बता देता हूँ। तो यहाँ से आपको एडजस्ट करना है इसको, ताकि ये अच्छा दिखे। तो यहाँ से मैं इसे एडजस्ट करूँगा सही से। तो यहाँ पे देखिए ये मैंने इसे थोड़ा सा, बस ये देखिए मैंने एडजस्ट कर लिया। अब यहाँ पे सेट एस प्रोफाइल पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा ये देखिए यहाँ पे लग चुका है, यहाँ पे हमारा जो यहाँ पे डीपी था वो यहाँ पे प्रोफाइल था वो यहाँ पे लग चुका है, चेंज हो चुका है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू कि आपको ये वीडियो पसंद इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही टेक से रिलेटेड वीडियो लेके आता रहूँगा। और कल जो मैं आपको यहाँ पे बैनर्स बनाने के लिए सिखाने वाला हूँ, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।